आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिकरत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशयशेद श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB0012100। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहिच्छेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर, नानौता वाले। लेकिन आपने वो महापुरुष भी देखे होंगे जिनके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन रेस में भी दुनिया में नंबर एक पर आ जाते हैं। हाथ नहीं होते फिर भी कलाकारी होती है। जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। आज हमारे जीवन में उत्साह और उमंग नहीं। आप अपने चेहरे खुद देखो, ऐसे निराश बैठे हो कि बस मर नहीं सकते हैं, मरना पाप है इसलिए जी रहे हैं। अरे जीवन एक सुंदर अवसर है, मौका है, इसे परमात्मा जैसा बनाना है। परमात्मा जैसा हम कहते हैं महावीर जैसे हो जाओ, महावीर जैसे कैसे हो जाओगे? एक कंकड़ भी दूसरे कंकड़ सा नहीं होता है, एक इंसान दूसरे इंसान सा नहीं होता है, एक अंगूठे का निशान दूसरे अंगूठे सा नहीं होता है। आपको पता है अंगूठा आप लगाते हैं इसका मतलब करोड़ों में तुम्हारा अंगूठा अलग है, तुम्हारी स्वयं की आत्मा की सत्ता भिन्न है। यहाँ कितने भी लोग ना जाने कहाँ कहाँ से पेड़ों पर पंछी आकर बसेरा करते, किस किस पर्याय से। कभी ये मत सोचना कि मेरी बहू बुरी है, मेरी सास बुरी है। अपने जीवन के नजरिए को आज से बदलना। कोई गालियां भी दे, गांधी को किसी ने गालियां दी तो उन्होंने अपना उसका पिन था जो निकाल लिया, कहने लगे पिन तो दिया। हम जीवन में सिर्फ कांटों को देखते हैं, फूल को देखने का नजरिया आ जाए। हम जिंदगी को मौत को देखते हैं, मौत के डर में आदमी मर मर के जीता है। आपने देखी चोट भी लगेगी बोले मरे,
हमने कि मरोगे उस समय हजारों नसें हड्डियां मांस एक एक में टूटेगा, कितनी तकलीफ होगी उस समय। अभी से कायोत्सर्ग करना सीखो, रोज कम से कम 10 मिनट में कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ, ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। अभी तो हमारी मात्र रूढ़ी परंपराओं से आते, घंटा बजा लेते, अरे घंटा क्यों बजाते हो, स्वयं की अंदर की ध्वनि बजाओ, अंदर की वीणा है इससे संगीत निकले। लेकिन आप मालूम है घंटा भी क्यों बजाते हो, ताकि आपकी जो नकारात्मक सोच है वो आपको ख्याल आ जाए कि मैं यहाँ परमात्मा के दरबार में आया हूँ, निस्संग होने आया हूँ, अंतरंग और बाहरंग के परिग्रह नकारात्मक सोच को यहाँ दफन करने के लिए आया हूँ। यहाँ भी वही चलता है, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। किसी को दोष मत देना कि पत्नी बेकार है, आजकल लोग सब बदल लेते हैं, मन को नहीं बदलते हैं। क्योंकि आपको पता हमारी सब चीजें, मैं मंदिरों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कितनी रूढ़ी परंपरा है। कहीं भी आपने देखा होगा आते हैं लोग, जो आदत पड़ी होती, एकदम सच बात है। एक बार तो यूपी की कि वो अतिक्रमण का चक्कर होगा तो प्रतिमा रखी थी, बिना प्रतिष्ठित थी, धागा भी बंधा था, लोग आके फिर भी चावल चढ़ाते थे। कुछ दिनों बाद वो संघ खत्म हो गई तो प्रतिमा को वापस रख दिया गया, लेकिन लोग फिर भी चावल चढ़ाते थे। उन्हें ये पता नहीं प्रतिमा चली गई, क्योंकि उन्हें ये पता है बस चावल चढ़ाना है और घर जाना। बल्कि मैंने कहा कि आप किसको चावल चढ़ा रहे हो, बोले भगवान को। हमने कहा देखो तो है कि नहीं, आप समझ गए। हमारी आधी चीजें हमें जीवन में इसीलिए आनंद नहीं दे पाती हैं। हम प्रतिमा देख लें तो भी प्रतिभा का ख्याल नहीं आता है, हम मंदिर में आए तो भी मंदिर बन जाए मेरा दिल ये ख्याल नहीं आता है। हम बोले मंदिरों में भी कुछ होता रहे, जय जय नाथ परम गुरु गोए, बाहर जाके वही शुरू होए। और हम लोग मंदिरों में भी आते, बोले तू कौन सी पूजा कर रही है, मैं अभी जल्दी जल्दी पढ़ लूँ तेरे साथ हो जाऊंगी। अरे तेरे साथ हो जाऊंगी, जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाए, सच पूछो वही पूजा हो जाएगी। यदि तुम परमात्मा को देखकर ये भाव आ रहा है कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, मैं किस दिन मेरा कर्तापन छूटेगा, मेरी सहज प्रवृत्तियां बंद हो जाएंगी, हाथ पर हाथ आ जाएगा, 84 लाख योनियों में घूमा हूँ, किस दिन मेरे कदम विराम पा जाएंगे, अंदर से विश्राम में आ जाएंगे। काम से पैदा होते हो लेकिन राम में विश्राम पाओ, काम से दुनिया पैदा होती है लेकिन काम में मर जाना गलत है। क्योंकि बांसुरी बांस से बांसुरी भी बनती है और बांस मारने के काम भी आता है। जिस दिन बांस अपने आप के अंदर कुछ रखना बंद कर देता है तो ओंठों पे लग जाता है। लेकिन हमें जीवन की बांसुरी को, वीणा को बाण बनाना आया, बांसुरी बनाना नहीं आया। कमान से निकला हुआ तीर वापिस नहीं आता, और जीवन में इतना सुंदर लौटकर समय नहीं आता। कभी मत सोचना कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, समस्याओं से कहना कि मेरे पास हर समस्या का समाधान है। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। पत्थर 5 दिन संस्कारित व्यक्ति के हाथ में आता है और परमात्मा बन जाता है, और ये आदमी 50-60-60 साल मंदिर आता है, पत्थर का पत्थर रहा है। आप सोच कर देखना, हमारा दिल पिघलता नहीं, हम सिर्फ परमात्मा से उम्मीद करते हैं कि वो मुझे कुछ दे देगा। क्या दे देगा, क्या मांगोगे तुम, जो मांगोगे उसे मौत छीन ही लेगी।
और छीनती है मौत तो गरीब के हाथ भी खाली करती है, अमीर के भी खाली करती है। यदि खाली चला जाए, जीते जी खाली हो जाए, तो हाथ वो दे देती है संपत्ति जो शाश्वत संपत्ति होती है, जो अंतरंग की विभूति है, जिसे पाकर आदमी जगत पूज्य बन जाता है। इसलिए पदों को व्यर्थ कहा था कि तुम परम पद पा सको, इसलिए प्रतिष्ठाओं को, सम्मान को व्यर्थ कहा गया था, तुम आत्म प्रतिष्ठा पा सको। इसलिए जीवन को निस्सार कहा था कि तुम सार पा सको, लेकिन तुम वो हो, ऊपर तो नहीं चढ़े और नीचे बैठ गए। जीवन में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक ठोकरों को हौसला से पार करके मंजिलों तक पहुंच जाते हैं, और एक होता है हौसला हार कर थक कर बैठ जाते हैं। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, कल्याण मंदिर में बहुत सुंदर बात कही है कि परमात्मा, शत्रु को जीतना हो तो क्या चाहिए? अस्त्र शस्त्र चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, तुमने शत्रुओं को कैसे जीता? तो बड़ी सुंदर बात कही है कि ज्यादा सर्दी से पाला भी तो पड़ने से पत्ते गल जाते हैं। क्षमा की एक पराकाष्ठा थी कि दुश्मन भी मित्र बन गया, भक्त बन गया। हम कैसे भक्त हैं कि मंदिरों में भी दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। आपके यहाँ तो मैं ज्यादा नहीं परिचय, नहीं तो कहीं कहीं मैं देखती हूँ कि एक कमेटी दूसरी कमेटी आ गई तो वो उसका साथ नहीं देती। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये राज समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहरा। कभी मत सोचना दुकानें बना ली है मंदिरों को, ये भगवान अच्छे, तुम दूसरे भगवान इस मंदिर को छोड़कर वहां जाने लगोगे। अरे ये मत सोचो, कोई मंदिर बनता हो अपने घर से यदि खाने लायक हो तो इतना सा निकालना, क्योंकि भगवान के मंदिर बनते हैं। कोई संत साधु आ जाए तो बस ये सोचना कि हमें कमियां नहीं निकालनी है किसी की, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। जिस दिन आप ये, आपसे घर में कोई कुछ कहे, मान लीजिए घरों में तो हो जाता, चार बर्तन हैं तो हो गई। लोग कहते माता जी घर में कैसे शांत रहें, हम तो किसी तीर्थों पर चले जाएंगे। मैंने कहा वहां कौन मिलेगा, पत्थरों से माथा पड़ोगी क्या? अरे तुम्हारी सही, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी, परीक्षा कहते हैं फल तो जब मिलेगा जब नकारात्मक लोगों के बीच तुम अपना सोच सकारात्मक रखो। यदि किसी ने गाली दी है तो सोचो मैं इतना हौसला रखता हूँ कि उसकी गाली का भी जवाब शांति से दूंगा। यदि उसने मुझे चार बात कही है तो मैं सच पूछो उसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा, ईंट का जवाब फूल से दूंगा। क्योंकि उसको हो सकता है शरीर में अस्वस्थता हो, उसको कोई टेंशन हो, उसके पारिवारिक मजबूरियां हो, कोई दिक्कत हो, उसकी दिक्कत को हम अपनी दिक्कत क्यों बनाते हैं? एक ने गाली दी वो उसका पागलपन था। आपको कुत्ता काट खाए तो आप कुत्ते को काटते हो क्या? तो एक कुत्ता पागल हो गया तो अपन पागल क्यों हो जाते हैं उसके लिए? हमने उसको अपना मेन स्विच क्यों दे रखा है? वो मालिक है क्या कि हमें चाहेगा जब मुझे क्रोध करा देगा? अरे वो कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारी अपनी भी कामयाबी है। इस तरह सोचोगे तो तुम्हारा जीवन आज बदल जाएगा। हम हमेशा कहते हैं हमने इतनी मेहनत की, जितना अच्छा किया वो हमने किया, जितना बुरा किया वो भगवान ने किया। आप ध्यान देना, बच्चा इंजीनियर डॉक्टर अफसर कमिश्नर बन जाए बोले हमने खूब मेहनत की इसके साथ, और बच्चा गलत हो जाए बोले भगवान ने देखो कछु कृपा ही नहीं करे। भगवान ने कोई कृपा नहीं की। अच्छा जितना काम होता है उसका जिम्मा तुम लेते हो, और बुरे काम जितने होते हैं भगवान को जिम्मा देते हो। जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, और बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान अब सुनता ही नहीं।
भगवान इन्हें उठा ले, अब तो इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा? अरे हद हो गई, वही आती की भी हद होती है, तुमने भगवान को ऐसा समझ लिया, भगवान ये काम करती, भगवान आज ये हो जाए, भगवान तुम सच्चे हो तो ये हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुकमणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212-0010-11-772-77, IFSC PUN B00212-00। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अफसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ तीन चार गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी, अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।